हाय एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी लर्न इन 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक क्लियर करवाने वाली हूँ जो नेट पेपर 1 में इंडियन लॉजिक की फैलेसी से रिलेटेड है। आपने अक्सर एक फैलेसी का नाम सुना होगा, रेड हेरिंग फैलेसी। क्या है ये फैलेसी, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, और अगर एग्जाम में आपके सवाल आए तो क्या आप इसको डिकोड कर सकते हैं? 5 मिट के अंदर अंदर आप सारी फैलेसीज के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा नाम कृतिका है, मैं एन अकेडमी पर एजुकेटर हूँ और मैं यहाँ पे रेगुलर सेशंस आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 नेट के लिए, जो कि मेरा ज्योग्राफी है, उसकी क्लासेस में लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे सवाल आता है कि व्हाट इज रेड हेरिंग। तो दोस्तों, रेड हेरिंग का जो पर्सनल मीन है या इसके वर्ड्स पे अगर अपन जाते हैं, रेड का मतलब होता है लाल और हेरिंग का मतलब होता है एक तरह की मछली। और रेड हेरिंग का मतलब ये उस मछली से है, वह मछली जिसका रंग लाल हो गया है धुएं की वजह से। क्या इस बात को आप मानेंगे कि मछली तो वैसे भी जल की रानी होती है, धुएं की वजह से उसका रंग लाल कैसे हो गया? तो रेड हेरिंग का मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे रेड हेरिंग सुनने में शब्द ऐसा लगता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, मिसलीड कर रहा है। सिमिलरली रेड हेरिंग फैलेसी भी मिसलीड करती है हमें। कोई भी टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो कभी अगर हमें ऐसा महसूस होने लगे कि अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है या उस टॉपिक को हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो बात को हम अक्सर घुमाने की, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं। जैसे पानी में रहती हुई मछली कभी स्मोक नहीं हो सकती, ना वो धुएं की वजह से लाल हो सकती है। सिमिलरली एक टॉपिक पे जब आप बात कर रहे हैं तो जस्ट डाइवर्ट करने से बात सत्य साबित नहीं हो जाती, उस वक्त वो बात सिर्फ मिसलीड में रहती है। तो बेसिक मीनिंग तो रेड हेरिंग का ये होता है, हेरिंग एक मछली का प्रकार है जिसको लेकर के ये शब्द बना है। तो रेड हेरिंग फैलेसी क्या है? फैलेसी ये है कि जब कभी भी दो लोगों के बीच में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ पर्सन नंबर ए और ये सोच रहा है कि कैन आई हैंडल दिस आर्ग्यूमेंट एंड सिचुएशन। आप खुद को इमेजिन करके देखिए, आप दो लोग कभी भी, समटाइम्स ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसे आर्ग्यूमेंट में सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको लगता है कि आप गलत प्रूफ हो रहे हैं या अब आपको दबाया जा रहा है। तो आप दो चीजें सोचते हैं, या तो आप कर सकते हो तो देन प्लीज कंटिन्यू, कंटिन्यू करोगे तो जीत जाओगे, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वी डाइवर्ट द टॉपिक, हम टॉपिक को डाइवर्ट कर देंगे। और आज तक सबने ये काम अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो किया ही होगा, मेनी टाइम्स, रोज भी करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो कि आप एक एज अ स्टूडेंट है, आप अपने फ्रेंड के घर गए, रात को आने में आपको देरी हो गई। तो जैसे रात को आने में देरी हुई तो ये तो आपको एक्सपेक्टेड है कि घर जाएंगे तो पेरेंट्स स्वागत के लिए खड़े होंगे हमारे। तो जब घर गए तो पेरेंट्स सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि इतनी रात तक कहाँ थे आप। तो आप वैलिड रीजन बताने की बजाय आप घुमा सकते हैं, अरे मैं रास्ते में जब मैं आ रहा था ना तो इतना अंधेरा था कि मुझसे तो बाइक भी नहीं चलाई गई, देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं, या देखो मेरे पैर पे लग गई, आते आते मेरे पैर पे लग गई। तो आपके पेरेंट्स उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो नहीं देखेंगे कि आप लेट आ रहे हैं, वो ये देखेंगे कि रास्ते में आते वक्त आपको चोट लगी है, उनका सारा ध्यान आपकी चोट पे चला जाएगा अगर लगी होगी तो। या अगर आप ये भी बोल देंगे कि आपका सर दुख रहा है या बहुत तेज तबीयत खराब है, बात नहीं करना चाहता अभी, तब भी आप उनका ध्यान चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जस्ट टू डाइवर्ट द टॉपिक, इसे ही रेड हेरिंग कहते हैं। एक अच्छा एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए कि रास्ते में हम जब छोटे थे पेरेंट्स के साथ में जाते थे, आज भी देखते हैं बच्चे अक्सर जिद करते हैं, कोई भी बच्चा है, मान लो किसी, जैसे ये ही एक छोटी सी बच्ची है, ये अपनी मम्मी को बोल रही है, मॉम आई वॉन्ट दैट टॉय, ये पर्टिकुलर टॉय उनको चाहिए, बट मम्मी को पता है कि मुझे टॉय नहीं दिलाना। तो मम्मी क्या बोल रही है, हनी लेट्स रश होम, यमी ट्रीट फॉर यू, कि तुम घर चलो, तुम्हारे लिए एक अच्छी ट्रीट है, ट्रीट में कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे का ध्यान टॉय से ट्रीट पे ले गई मम्मी। तो ये क्या किया बच्चे, मम्मी ने बच्चे को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है। तो रेड हेरिंग फैलेसी का मतलब मदर ट्राइंग टू डाइवर्ट हर किड्स अटेंशन, वो उसके किड्स का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। जनरली हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में आपने देखा होगा कि जब जब जिस जिस स्टेट के अंदर चुनाव आते हैं, अक्सर गवर्नमेंट जो पिछले 5 साल के जो बेकार काम होते हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कुछ ऐसे कामों से जो सडनली या कुछ थोड़े टाइम के लिए जनता को हेल्प करेंगे, उस वक्त वो रेड हेरिंग फैलेसी होती है। टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा, कोई भी किसी से बात कर रहा होता है, बातों को घुमा करके वो बोलते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ऐसी हो, तुम बहुत वैसी हो, तो वो रेड हेरिंग होती है। तो जब कभी भी लगे कि टॉपिक को डाइवर्ट किया जा रहा है मेन टॉपिक से हटा करके, वो रेड हेरिंग फैलेसी कहलाती है। होपफुली गाइस आप सभी को ये फैलेसी समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट लगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ में इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। रोज आपके लिए एक लेक्चर आएगा जिसमें हम बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, स्पेशली पेपर 1 के।
अगर आप मेरे साथ में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से NTA UGC नेट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, OTP मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड करना है और मेरी प्रोफाइल कृतिका पारिक के नाम से है जिसे आपको डायरेक्टली फॉलो करना है। जैसे ही आप इसे फॉलो करेंगे आपको मेरी पुरानी क्लासेस नजर आ जाएंगी और हमने अभी फिर से 1500 MCQ सीरीज स्टार्ट कर दी है फॉर अपकमिंग जून JRF 2023 के लिए। वो क्लास हमारी मॉर्निंग में 10:30 AM को होती है। आप अगर चाहें तो इस सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक एंड प्लस जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन पे गाइस अभी 25% का ऑफ चल रहा है UGC 10 रेफरल कोड अप्लाई करने पर। जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे UGC 10 आपको 25% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। तो जैसे अभी फीस 17,000 है तो वो आपको 13,000 कुछ में पड़ जाएगी। जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्त वो इस कोड की हेल्प ले सकते हैं। ये कोड आपको ना केवल नेट एग्जाम में बल्कि अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे मैक्सिमम ऑफ दिलवाता है। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम है अनअकैडमी UGC नेट इंग्लिश। जस्ट टाइप अनअकैडमी UGC नेट इंग्लिश ऑन टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे जितने भी एजुकेटर्स हो रहे हैं उन सभी की क्लासेस के लिंक्स एंड नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको उस चैनल के थ्रू मिलती जाएगी। अगेन थैंक यू एवरीवन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और कल आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मुलाकात होगी। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है। फैलेसीज हो गई, कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड की ग्लॉजरीज हो गई, ICT की ग्लॉजरीज हो गई, ये सब हम इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर, बाय।